हाँ स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज ट्राइगोनोमेट्री जो है हम लोग का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन करेंगे एक सीरीज के अकॉर्डिंग। एक दिन हम लोग क्वेश्चन एक या दो करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन था हम लोग का, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और फिगर हम लोग का यहाँ पे ये है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया गया है ए बी जो है 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर। एक्चुअली में वो सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, यूनिट नहीं दिया हुआ, लेकिन अपने मन से हमने यूनिट रखा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी अपना आप वो रख सकते हैं। तो पहले कुछ हम बेसिक चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश ये करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये हमारे पास थीटा है, अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो ऑब्वियस ही बात होगी ये क्या होगी, कर्ण होगी। और थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा यानी ए वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। और ए वाला जो भुजे होंगे वो क्या होंगे, आधार होंगे। ठीक है, तो नेचुरली हम लोग सीखने की कोशिश ये करेंगे कि थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, हम लोग का लंब होगा। और कर्ण तो हमेशा फिक्स होंगे और जो बच जाएंगे साइड वो आधार कहला जाएंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग का है, साइन सी साइन ए, कॉस सी कॉस ए, टैन सी टैन ए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, हम इसे जनरली लिखेंगे पी वाई एच। और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच, एंड टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा बी। ओके, तो सेम फॉर्मूला। तो थीटा वो हमें एंगल को शो करने वाला है कि वो एंगल हमारा एग्जैक्टली होंगे कौन, ठीक है, ए है या सी है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होने वाले हैं वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा आधार, कॉस थीटा जो होंगे यानी आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा यानी कि आधार बटा लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मूला वे वाले होंगे। लेकिन अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे सी हम लोग का है, एंगल सी की बात करी जा रही है, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करी जा रही है, अगर ये थीटा है यानी ए वाले, तो ये हमारा क्या कहला जाएंगे, पी कहला जाएंगे। और हाइपोटेनस यहाँ पे तो फिक्स है और ये हमारा क्या है, बेस हो जाएंगे। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करने की कोशिश ये करेंगे कि साइन सी तो पी बटा एच, तो पी यहाँ पे कितना है, 3 है, और एच यहाँ पे कितना है, 5 है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3/5, और ये हमारा आंसर होगा 3/5। इसके बाद है कॉस सी, कॉस सी अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, कॉस सी का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, बी यहाँ पे कितना है 4, और एच कितना है 5, इसका मीनिंग ये हुआ 4/5 यहाँ पे आंसर होंगे। और टेन सी यानी सी के रिस्पेक्ट में तो थीटा वही है यानी थीटा यही है यानी परपेंडिकुलर होंगे, यानी पी पी यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3/4। ठीक है, अब बात रही यहाँ पे साइन ए की, तो ए के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे ए तो सेम रहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो पी है वो क्या कहला जाएंगे, बी हो जाएंगे। और ए यहाँ पे थीटा हो जाएगा, इस टाइम अगर यहाँ पे थीटा है समझने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे, यानी इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पी बोल देंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिएगा साइन ए फॉर्मूला सेम वही होंगे पी बटा एच। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर पी को देखा जाए तो पी यहाँ पे कितना है, 4 है, और बी कितना यहाँ पे जो है, एच कितना है, 5 है, यानी कि 4/5 यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करेंगे हम लोग कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला होगा यहाँ पे बी बट्टा एच, और यहाँ पे जो बी हम लोग का है वो 3 है और एच जो है 5 है, यानी कि 3/5। राइट, और इसी तरीके से आगे हम लोग देखेंगे टेन ए यानी टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और पी का जो वैल्यू होंगे, और यहाँ पे जो पी का वैल्यू है 4 है और बी का जो वैल्यू है वो 3 है। एग्जैक्टली हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे होंगे। तो चीज़ें इसमें कोई खास है नहीं, जो चीज़ें हैं हम लोग को थीटा शो करना है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, टेन थीटा और कॉस सी। देखिएगा जनरली यहाँ पे थीटा पहले से लिख रखा है और सी भी पहले से लिख रखा है। अगर 90 डिग्री है तो ए तो हमारा कर्ण होगा, राइट। और अगर ये थीटा और सी की बात करी जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएंगे, पी हो जाएंगे, और ये हमारा बी हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो कर्ण है इसे जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, एच बोल देंगे। राइट, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बटा बी, पी बटा बी
पी का जो यहाँ से वैल्यू है वो 4 है, 4/3 राइट, 4/3 यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे। एंड लास्टली जो होंगे कॉस सी, थीटा और सी सेम ही है और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H और B का जो वैल्यू है B यहाँ पे 3 है, 3/5 दैट मीन्स 3/5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेंगे राइट। चलिए और थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बुक लाइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ पे लिखा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चंस नहीं है सिर्फ फिगर चेंज करा है इन्होंने। फिगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे डिजाइन करते हैं फिगर, ये 90 डिग्री है, 12, 30 और यहाँ पे बी है, सी है और ए है एक्चुअली, और यहाँ पे जो है थीटा है ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा, थर्ड का क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन था इसका टेन थीटा और एक लास्ट क्वेश्चन है टेन ए, थर्ड नंबर टेन ए माइनस कॉट सी ठीक है। देखिए कोशिश करते हैं समझने के लिए, जनरली अगर हम लोग देखेंगे, अगर हमें बचपन से ही पता है कि अगर कोई 90 डिग्री का मतलब किसी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का कोण है यानी कि वो समकोण त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज में ए वाला अगर कोई लंब है जो खड़ा है वो लंब है, जो पड़ा है वो आधार है, वो तिरछी है जो हम लोग उसे कर्ण बोलते हैं। तो हमें आधार यहाँ पे पता नहीं है जनरली, तो हम आधार निकालने का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो ये होता है आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट होगा। कर्ण यहाँ पे जनरली हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ओके का रूट होगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 का रूट होगा और यहाँ पे आएंगे 25, सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा आप लोग और सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितने आएंगे 5 ओके। तो ये हमारा जो है थीटा है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमारा थीटा है, तो थीटा के कॉन्टेक्स्ट में यानी ये तो हमारा एच कहलाएगा, ये कहलाएगा थीटा के कॉन्टेक्स्ट में हमारा पी कहलाएगा, जो कि हमारा जो आधार आया है वो कितना भी आया है बीसी को अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो हमारा ए 5 आया है ठीक है। तो ये पी हो जाएंगे और ये वाला जो हमारा चीज़ें हैं वो हमारा बी होंगे। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारा है P/H है, क्या है P/H है और पी यहाँ पे देखी जाए तो 5 है और एच हमारे यहाँ पे 13 है यानी कि 5/13 राइट। इसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर P/B मतलब लंब बटा आधार, लंब यहाँ पे कितना है 5 है, 5 और आधार यहाँ पे हम लोग का कितना है 12 है, ये हमारा आंसर है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन में ट्विस्ट होने वाले हैं वो हमें समझने की कोशिश से करेंगे। टेन ए समझिएगा, टेन ए हम लोग का फॉर्मूला होता है P/B राइट माइनस कॉट सी, यानी तो सी तो वो अलग है वो एंगल को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं B/P लेकिन सबका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, यहाँ पे ए जो है और यहाँ पे सी है। तो पहले देखिएगा हम एक कॉन्टेक्स्ट में अगर लिखने की कोशिश करेंगे, पी यहाँ पे कितना है, पी हम लोग का 5 है, हम लोग यहाँ लिख देंगे 5 और बी यहाँ पे जो हम लोग का है वो 12 है राइट, यहाँ पे हम लोग लिख दिया 12 माइनस। आगे देखिएगा अगर हम सी के कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, जैसा ही अगर हमारा ए वाला जो थीटा हो जाएंगे, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा ए क्या हो जाएंगे अब इस बार बी हो जाएंगे और यहाँ पे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे पी हो जाएंगे राइट। तो आगे हम लोग चेंज करेंगे जैसा ही, तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू है वो कितना है फिर से 5 आ गया है एंड पी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है 12, जो कि आप देखेंगे कैंसिल आउट हो रहे होंगे और वो एक्चुअली हमारा फॉर्म आ रहा होगा आंसर 0 के फॉर्म में आ रहा होगा आंसर राइट। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीटेड हुए, बाकी हम लोग अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।